बिहार वाल्मीकि नगर लोकसभा के नरकटियागंज में चल रहे सत्यदेव जन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से राजभर में हो रहे पत्रकारों के साथ बदसुलूकी और हत्या के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग उठी है। इस ट्रस्ट के संचालक अंकित कुमार तिवारी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर राजभर में अभी तक हुए पत्रकार और उनके परिवार पर हमलों को गिनती गिनाते हुए पत्रकार हित में कड़े कानून बनाने की मांग की है। एबीपी न्यूज की एक निवेदिता शांडिल्य थी, वो आई थी और न्यूज कवर करने गई थी मिल के लिए किसानों के हक में, लेकिन उनको जो है इतना अभद्रता से उनके साथ मिल पेश आया जिसका कहना क्या। यहाँ पे एक गुलाम साबिर जी हैं पश्चिमी चंपारण में, जो न्यूज संकलन करने के लिए गए स्कूल में, तो शिक्षक ने उनसे मारपीट की, उनका सर भी फोड़ दिया और SC ST का मुकदमा दर्ज कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी को एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे पत्रकार बंधुओं को सुरक्षा मिले, उनके परिवार को सुरक्षा मिले। जब ये हमारे पत्रकार बंधु बुलंद होंगे तभी ये समाज की गंदगी को दूर कर सकते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। मेरा नाम अंकित कुमार तिवारी हुआ, सत्यदेव जन सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और आपको मैं बता दूं, पत्रकार बंधुओं के सम्मान में सत्यदेव जन सेवा ट्रस्ट हरदम रहेगा मैदान में। बेतिया जिले से सी न्यूज संवाददाता विपुल कुमार की रिपोर्ट।